नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं राकेश शिवानी स्टोर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जैसे जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस विवाह के ऊपर बनाई थी, आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं विदेश जाने के योग के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय रहता है। और नॉर्मली लोग बहुत पूछते हैं कि मेरी विदेश में नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, या विदेश में मैं सेटल होऊंगा या नहीं होऊंगा। इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक आपके लिए बनाया है, कुछ योग बनाए हैं कि किन योगों के होने से विदेश में जाने की संभावना बहुत अधिक होती है और विदेश में सेटल होने की संभावना बहुत अधिक होती है। इससे अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन जितने अभी एकदम समझ में आए थे या जितने देखे, वो मैंने एक तरह कंपाइल किए हैं जो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो उसके लिए ये एक योग है, कुछ इस तरीके से योग बनते हैं विदेश जाने के लिए। जैसे इसको मैं आपको स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि लग्नेश यदि 12वें भाव में हो तो भी विदेश जाने का योग बनता है। देखिए कितनी अजीब बात है कि हर भाव के कुछ ना कुछ अच्छे फल होते हैं, कुछ ना कुछ फल होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। यूं तो हम ये देखेंगे कि कोई भी भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में जाएगा तो उस भाव की हानि होगी, लेकिन विदेश जाने की संभावना भी लग्न के 12वें में जाने की बनती है। और इसके विपरीत 12वें भाव का स्वामी यदि लग्न में आ जाए तब भी विदेश जाने की संभावना बनती है। दूसरा, एक ही ग्रह लग्न तथा 12वें हाउस का स्वामी हो, अगर लग्न और 12वें हाउस का स्वामी एक ही ग्रह है तो भी विदेश जाने की संभावना होती है। और वो ऐसा होता है कुंभ लग्न में, जब शनि लग्न का भी तथा 12वें भाव का भी स्वामी बनता है। तीसरी संभावना, 4H पीड़ित हो, यानी चौथा हाउस पीड़ित हो, दूसरा हाउस पीड़ित हो, 7th, 9th या 12th से संबंध हो। मतलब क्या हुआ कि 4H पीड़ित हो, अगर 4H पीड़ित है, 4H है अपने घर का, अपनी पृथ्वी का, अपनी 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 जन्मभूमि का, तो अगर 4H पीड़ित है, इसका मतलब 4H पीड़ित होने से आपका अलगाव वहां से होगा जन्मभूमि से, तो आप जन्मभूमि छोड़कर कहीं विदेश जाएंगे। तो 4H पीड़ित अगर है और साथ में उसका संबंध 7वें भाव, 7वां भाव भी विदेश यात्रा का भाव होता है, या नवा भाव भी विदेश का होता है, या 12वां भाव, इनमें से किसी एक भाव से संबंध बन जाए तो भी विदेश जाने का योग बहुत अच्छा होता है। इसी प्रकार से 8वें और 12वें का संबंध भी, या इनके स्वामियों का संबंध भी बहुत अच्छा योग बनाता है विदेश जाने का। 8वां भाव जैसे आप जानते ही हैं समुद्र पार यात्रा का भाव होता है, 12वां भाव विदेश का भाव भी होता है। तो 8वां भाव और 12वें भाव का अगर संबंध हो, या इनके स्वामियों का संबंध हो, यानी 8वें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी एक दूसरे को देख रहे हो या एक साथ बैठे हो, तो भी विदेश जाने का योग बनता है। 7वें हाउस से भी विदेश यात्रा देखी जाती है, वो ध्यान एक रखने वाली बात है। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज और है कि भाग्येश चर राशि में हो, यानी जो भाग्य भाव का स्वामी है अगर वो चर राशि में है तो भी विदेश जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा मैं आपको दूसरी स्लाइड दिखाता हूं। दूसरी स्लाइड में ये है कि 9th लॉर्ड की दृष्टि 12वें हाउस पर हो, अगर 9वें भाव का स्वामी की दृष्टि 12वें भाव पर हो तो भी विदेश जाने का योग बन जाता है। 10वें भाव का स्वामी की दृष्टि 12वें भाव पे हो, 10वां भाव क्या होता है, कर्म का भाव, 12वां भाव होता है विदेश का भाव, तो कर्म की वजह से विदेश जाने का संबंध बन जाता है। तो 10वें भाव के स्वामी की दृष्टि 12वें भाव पे हो, या 10वें भाव में और 12वें भाव में आपस में संबंध हो, दोनों के स्वामी साथ बैठे हों या दोनों के स्वामी एक दूसरे को देखते हों, तो भी विदेश जाने का योग बनता है। 10वें भाव का स्वामी और 8वें भाव का स्वामी, या 7वें भाव के स्वामी में आपस में संबंध हो, आपस में साथ बैठते हों या एक दूसरे को देखते हों, तो भी विदेश जाने का योग बनता है। 5वें भाव का 12वें भाव से संबंध हो तो भी विदेश जाने का योग बनता है, क्योंकि 5वां भाव होता है आपका एजुकेशन, आपकी हायर एजुकेशन होती है, तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाएं। 5वें भाव का और 8वें भाव से संबंध हो, यानी एजुकेशन के लिए आप समुद्र यात्रा पार करके 8वें भाव से विदेश जाने का आपका योग बनता है,
लेकिन इस केस में एक छोटी सी बात यह होती है कि अगर पांचवें भाव का संबंध या पांचवें भाव के स्वामी का संबंध आठवें भाव से हो या आठवें भाव के स्वामी से हो तो विदेश तो जाएगा, लेकिन वहां पर वो सक्सेसफुल नहीं होता क्योंकि आठवां भाव इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। अगर 10th हाउस में स्थित राशि अपने ही स्वामी से युत हो, 10th हाउस में स्थित राशि अपने ही स्वामी से युत हो तो कहीं विदेश नहीं जाता, तो उसकी नौकरी देश में ही लगती है। अगला विदेश के योग है 11th हाउस, 11th हाउस या अनंत लॉर्ड का संबंध 12वें हाउस से हो जाए तो भी विदेश का योग बनता है। 11वें भाव का या 11वें भाव का स्वामी का संबंध 12वें भाव से या 12वें भाव के स्वामी से हो जाए। 8वें भाव का या 8वें भाव के स्वामी का संबंध 11वें भाव से हो और गुरु की दृष्टि हो तो विदेश जाना होता है, परंतु वापस आना भी होता है, ये इसमें टेंडेंसी रहती है। 4थे भाव का स्वामी या 4था भाव, 8वें भाव का स्वामी या 8वां भाव, 12वें भाव का स्वामी या 12वां भाव, इनमें अगर संबंध है आपस में किन्हीं दो में तो विदेश सेटलमेंट की पूरे चांस होते हैं। राहु यदि 12वें भाव में बैठा है, राहु भी विदेश भेजता है। राहु यदि 12वें भाव में बैठा हो, राहु यदि 5वें भाव में बैठा हो, और पढ़ने के लिए तो नौकरी के लिए विदेश जाने का संबंध बनता है, पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए विदेश जाने का संबंध भी बनता है। तो ये एक कुछ योग है जो मैंने आपको बताए। अब मैं आपको कुछ इसमें कुंडली दिखाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट कुंडली है, जिसमें कि ये सब चीजें योग बने हुए हैं, एक्चुअल कुंडलीज हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये एक कुंडली मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कुंडली है एक फीमेल जातक की जिसका जन्म 17 जनवरी 1986 को हुआ है, 6:15 बजे सुबह के समय गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश। तो ये एक कुंडली है, इस कुंडली में विदेश जाने का योग कैसे बनता है तो ये आप जो मैंने पीछे नियम बनाए हैं उससे देखने की कोशिश कीजिए। वैसे मैं बताता हूं कि देखिए इसमें भाग्येश क्या है, भाग्येश बनता है सूर्य। सूर्य किस राशि में है? सूर्य हमारा है 10 नंबर राशि में। 10 नंबर राशि होती है चर राशि। तो एक योग था कि भाग्येश अगर चर राशि में हो तो भी विदेश जाने का योग बनता है। सेकंड भाव को अगर आप देखें, दूसरे भाव को, सेकंड भाव में जुपिटर बैठा है, उसपे मंगल की दृष्टि है, जुपिटर की बैठा है, मंगल की दृष्टि है, और वो सेकंड भाव भी इसमें पीड़ित होने की वजह से, और उसके अंदर नवम भाव का स्वामी बैठा है, तो सेकंड भाव का और नवम भाव का भी स्वामी वहां पर बैठा हुआ है, उसकी वजह से भी विदेश जाने का योग बनता है। अच्छा, सेवंथ का जो स्वामी है यानी 7th हाउस का स्वामी बुध लग्न में बैठा है, तो लग्न में, लग्न क्या होता है? सेल्फ। 7th हाउस का स्वामी है विदेश, तो स्वयं के विदेश जाने की संभावना भी इस कुंडली में होती है। दूसरी चीज, तो ये तीन ऐसे योग इस कुंडली में बनते हैं जो बताते हैं कि आपका विदेश जाने का योग बन रहा है। अब जैसे एक दूसरी कुंडली हम लेते हैं, ये कुंडली भी एक मेल जातक की है, 25 अक्टूबर 1989 का जन्म है, 4:56 सुबह गाजियाबाद में ही। इसमें अगर आप देखें तो राहु 5वें घर में बैठा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राहु 5वें घर में हो या राहु 12वें घर में हो तो भी विदेश जाने का योग बनता है पढ़ाई के लिए, तो ये विदेश जाने का योग बनाता है। 6th लॉर्ड यानी कि आपका 11वां भाव का स्वामी 6th लॉर्ड शनि 4थे भाव में गया है, ये भी आपका विदेश जाने का योग बनाता है। 7th लॉर्ड, 7th लॉर्ड बना आपका जुपिटर, जुपिटर बना 7th लॉर्ड, जुपिटर बैठा है आपका यहाँ पे 7th लॉर्ड का स्वामी, 12वें लॉर्ड के स्वामी को देख रहा है, सूर्य को देख रहा है, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब 7th लॉर्ड का स्वामी 12वें भाव से, जो सूर्य 12वें भाव के स्वामी से संबंध बना रहा है, तो ये भी विदेश जाने का योग बनता है। अगर आप देखें ये मंगल है यहाँ पे, मंगल इसका भाव का स्वामी 8वें भाव का स्वामी, और 10वें भाव का स्वामी कौन है? 10वें भाव का स्वामी है बुध। तो मंगल और बुध यानी 8वें भाव समुद्र पार यात्रा और 10वां भाव कर्म, दोनों का स्वामी एक साथ बैठे हैं, संबंध है, तो भी विदेश जाने का योग बन रहा है। तीसरी कुंडली मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर, ये कुंडली भी एक मेल जातक की है, 20 जून 1968 7:20 मेरठ
उत्तर प्रदेश की ये कुंडली है। इस कुंडली में भी अगर आप देखें तो इसमें आप ये देखेंगे कि जो चौथे भाव का स्वामी है यानी शुक्र, चौथा भाव का स्वामी शुक्र है, वो बारहवें भाव में चला गया है, यानी आपकी जन्मभूमि का स्वामी विदेश में गया है। तो आपकी विदेश में सेटलमेंट आपका हो सकता है, तो इनका विदेश में ही सेटलमेंट है। आठ एल का स्वामी यानी देखिए आठ लॉर्ड, एट्थ लॉर्ड बनता है शनि, शनि बैठा है दसवें भाव में जाके। समुद्र पार यात्रा और कर्म दो का संबंध बना, इसका मतलब समुद्र पार यात्रा में जाकर भी ये कर्म कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। पांच वे हाउस का स्वामी कौन है? मंगल। पांचवें हाउस के स्वामी मंगल का यानी एजुकेशन के मालिक का बारहवें भाव में जाना यानी एजुकेशन और विदेश, इसका मतलब विदेश में एजुकेशन के लिए भी ये जा सकता है जो कि ये गया था। तो इस तरीके से ये काफी सारे, इसमें मैंने तीन कुंडली आपको दिखाई, एक चौथी कुंडली आपको और दिखाता हूं। ये एक फीमेल जातक की कुंडली है, इसमें आप देख सकते हैं कि 5 अक्टूबर 1969 का जन्म है, 22:10 गाजियाबाद ये कुंडली है। इस कुंडली में अगर आप देखना चाहें तो भाग्येश को देखिए आप, ये भाग्येश बनता है आपका शनि। शनि कहाँ बैठा है? शनि बैठा है नंबर एक राशि में यानी चर राशि में, तो भाग्येश आपका चर राशि में है, तो विदेश जाने का योग है जैसे कि ये गए हैं। एट्थ लॉर्ड कौन बनता है? एट्थ लॉर्ड बनता है शनि। शनि कहाँ गया है? ग्यारहवें भाव में, तो शनि का ग्यारहवें भाव में जाने से भी विदेश का योग बन जाता है। समुद्र पार से मतलब उससे फायदा होगा, क्योंकि ये होता है समुद्र पार, ये होता है लाभ, यानी समुद्र पार जाने से इसको लाभ होगा, तो ये भी विदेश का योग बनाता है। इसी प्रकार पांचवें हाउस का स्वामी यानी कि शुक्र, पांचवें हाउस का स्वामी शुक्र, बारहवें हाउस एंड बारहवें हाउस का स्वामी, बारहवें हाउस का स्वामी कौन है? सूर्य, सॉरी शुक्र है, दोनों एक ही है। पांचवें भाव का स्वामी और बारहवें भाव का स्वामी, यानी पांचवा भाव एजुकेशन, बारहवा भाव विदेश, तो एजुकेशन के लिए विदेश, उसके लिए भी ये सब एक ही ग्रह बनता है। तो इसका मतलब पांचवें भाव में और बारहवें भाव में संबंध है, अतः ये विदेश का योग दिखाता है। तो ये जातक विदेश गया, विदेश में जाकर इन्होंने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद आज विदेश में ये डॉक्टर बन के सेटल्ड है। और ये जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, ये सारे जातक जो थे पढ़ाई के लिए पहले विदेश गए और पढ़ने के बाद वहां पर जाकर सेटल हो गए। तो ये कुछ मैंने आपको विदेश के बारे में बताया है कि इस तरह संबंध आपको देखने हैं कि चौथे हाउस का बारहवें से संबंध हो, आठवें हाउस का बारहवें से संबंध हो, सातवें हाउस का बारहवें से संबंध हो, या सातवां हाउस का ग्यारहवें से संबंध हो, या आठवें हाउस का ग्यारहवें संबंध हो कि भाई आपको समुद्र पर यात्रा से लाभ मिलेगा। तो इस तरह के संबंध भाग्य चर राशि में हो, ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे इस कुंडली के अंदर तो आपको मालूम चल जाएगा कि विदेश योग कुंडली में कैसे देखा जा सकता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, समझ में आए तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू, जय श्री कृष्ण।